लोगों के। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को ना एक बहुत ही अच्छी जगह लेके चलता हूँ, ठीक है। आज मैं अंकिता और शुभम और गुगू आज हम लोग आए हुए हैं एक जो चंडीगढ़ का बहुत ही फेमस प्लेस है, छतबीर जू। तो आज हम लोग जो छतबीर जू आए हैं, ठीक है। तो छतबीर जू में आज था कि चलो थोड़ा एक फैमिली पिकनिक भी हो जाएगा व्लॉग बनाने का। तो अभी जो रास्ते में जो ऑन द वे है, हम लोग बाया खरड़ से होते हुए मोहाली एंड देन हम लोग जीरकपुर और जीरकपुर से छतबीर अराउंड 5 किलोमीटर ही है। तो वहाँ से एक लिंक रोड जाकर हम लोग छतबीर जाते हैं। क्या ना कि गुगू सो गया है, तो गुगू को पड़ गई है नींद गाड़ी में आते आते, इसने दूध पिया और अभी सो गया। तो अभी ना इस अब उठाना इन्हीं को पड़ेगा। इन दोनों ने हाँ करी है कि हम लोग उठा के ले चलेंगे इसे, तो इसलिए अब यही लोग उठाएंगे गुगू को। जब तक गुगू सोया है तब तक कोई और गुगू उठ गया है। गुगू उठ गया, आ जा 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 जा। तो ये है इसका मेन एंट्री गेट। तो यहाँ से एंट्री होगा अंदर जाने के लिए, देन अपना टिकट काउंटर। अरे यार, आप लोगों को ना एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जब भी आप लोग छतबीर जू आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी की स्लिप जो अपने साथ ही लेके जाएं, बिकॉज उसको कभी भी ना गाड़ी में ना छोड़ दें, ठीक है। चलते हैं टिकट काउंटर पे, टिकट लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे टिकट्स का है अडल्ट अबाउट 12 इयर्स जो टिकट रेट्स हैं, काइंड ऑफ। चलो टिकट लेने चले। जू क्लब मेंबरशिप। तो यहाँ पे ना एक डायनासोर पार्क भी है जो जिसका जो क्लोजिंग टाइम है वो शाम को इवनिंग है, और जंगल सफारी वाइल्ड लाइफ सफारी सब कुछ है यहाँ पे, सब ले सकते हैं हम लोग। टिकट इज डन, दिस इज द टिकट एंड फेयर। बना एक क्लॉक रूम भी बना है जहाँ पे सबको अपना जो है वो बैग चेक करवाना होता है, जिसमें हम लोग जो है अपना पॉलिथीन वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, जिसमें हमें क्लॉक रूम में इसका एंट्री और चेकअप एक बार करवाना पड़ेगा यहाँ पे। तो जब भी आप लोग आए अपने साथ पॉलिथीन ना लेके आए, प्लास्टिक का कुछ भी आइटम्स अपने साथ ना लेके आए, ठीक है, दैट इज दैट विल बी सेफ। चलें गुगू, क्या हो चेक कराने की। तो चलो भाई आपको ले चलता हूँ छत। तो एंट्री में जा रहे हैं 3 लोग, आ जाओ आ जाओ कहीं से भी आ जाओ। सो अभी एंट्री हो गई है ना पार्क के अंदर, वो आ जा। तो एंट्री करते ही आप लोगों को बड़ा अच्छा सा वेलकम नोट मिलेगा, वेलकम टू छतबीर जू। तो छतबीर जू का वेलकम नोट एक बहुत ही अच्छा लग रहा है, साथ में एक पार्क ब्यूटीफुल सा यहाँ पे, वेलकम टू छतबीर। सेल्फी लेने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितने तरह के एनिमल है, जानवर नहीं एनिमल, कितनी तरह के वो देखते हैं, ठीक है। छतबीर का यहाँ पर जो है, अगर कोई चल नहीं सकता तो यहाँ पे जो है वो एक गाड़ी भी मिल जाएगी आपको, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल भी यहाँ से ले सकते हैं जाने के लिए। यहाँ का मैप और एनिमल लिस्ट, तो यहाँ से एंटर करें। यहाँ से जाने के बाद हम लोग घूमते छतबीर जू। जू ना एक्चुअली गुगू का ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ये जू में आया है, तो इसको फर्स्ट टाइम हम लोग जो है जू लेके आए हैं, इससे पहले कभी भी जू नहीं आया। वाले ठीक है भाई, गॉड इनके इतने शरारती होते हैं ना, ये वाले तो बहुत शरारती होते हैं हमारे यहाँ हिमाचल में, छत पे आके सब कुछ लूट के ले जाते हैं। चल 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 चल। गुगू को ना बड़े टाइम के बाद आज खुली जगह मिली है। तो भैया अगर कोई थक जाए तो हम विजिटर शेल्टर में बैठ सकते हैं, ठीक है।
100-200 मीटर के बाद ही ये है विजिटर शेल्टर। शेल्टर के बाद जो है वो चलते हैं, ठीक है, द बंगाल टाइगर। भाई साहब अभी सो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको आ गई है नींद, इसलिए सो रहे हैं अभी। सही है ना भाई, वाइट अगर चिट्टा चिट्टा तो इसे तो हम देख ही सकते हैं, है ना। तो भैया अपने चीते भैया तो सो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सब लोगों को कन्फ्यूजन है कि चीते भैया कहाँ हैं। तो चीते भैया वहाँ दूर जाके सो रहे हैं, जिसमें सब लोगों को ना अभी थोड़ा है कि यार हम लोगों को चीता देखना है, देखना है, देखना, बट चीता ना दिख नहीं पा रहा है कोई भी। तो सब लोग जो ना अभी चीते के चक्कर में यहाँ खड़े हैं कि चीता उठेगा तो हम लोग चीता देखेंगे। चीता चीता ये ना सो रहे हैं अभी, ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, जगा तो पाऊंगा नहीं, ठीक है। शुभम का पता नहीं, शुभम मुझे जगा दे तो कहाँ गया। संडे को लेके सो रहे हैं, तो बताया कि कौन कौन सी कंट्रीज में ये मिलती है मोस्टली, ठीक है। तो कितने से लाइफ टाइम इनका टूर चलने के बाद जैसे हम लोग आगे जो है वो है सेट जो है, अभी हम टाइगर तो हम लोगों ने देख लिया, अभी हाथी देखेंगे, उसके बाद जो है डायनासोर पार्क भी है जो कि 5 बजे क्लोज हो जाएगा, और इसके बाद चलेंगे पहले एलिफेंट देखेंगे, फिर चलेंगे हम लोग डायनासोर पार्क, देख के आएंगे डायनासोर पार्क में क्या क्या बना रखा है। तो यहाँ देखते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा बैठने के लिए यहाँ पे बना हुआ है प्रॉपरली, और उसके बाद जो है वो ठीक है यहाँ पे अभी एलिफेंट देखने चलेंगे। यहाँ पे इस साइड जो है वो एलिफेंट है प्रॉपरली खेलने। हम लोग आ गए गजराज के पास, गजराज का तो सबको पता ही है यार, मंकी का दोस्त गुगू। गुगू कहाँ जाना है, एलिफेंट नहीं मिलेगा गुगू, बहुत दूर है वो, एलिफेंट पकड़ना है। भाई चालाक लोमड़ी का नाम तो सुना है, सीरियसली चालाक बहुत होती है यार, जब भी देखो बस इधर उधर ही घूमती रही है। तो लोमड़ी की तरह घूमने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वाइल्ड लाइफ सफारी। वाइल्ड लाइफ सफारी में जो है वो टिकट है अराउंड 75 रुपीज़ की, ठीक है, जिसमें हमें शेर दिखाया जाता है। बट ये श्योर नहीं है कि 75 में तुम्हें शेर मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट यार इट्स डैम श्योर कि शेर मिल जाता है। तो यहाँ से बस लेके जाओ और अच्छे से इंजॉय करो वाइल्ड लाइफ का। भाई लोग उसके बाद घूमने के बाद हमें याद आता है यार क्यों ना थोड़ा बहुत खाना भी खाया जाए। तो यहाँ पे ना कैंटीन है, कैंटीन पास में ही है, या तो कि वाइल्ड लाइफ के साथ ही कैंटीन है, कैंटीन में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे जो बाहर टोकन में लेके खाना वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें सैंडविच मैगी यहाँ का फेवरेट है, बहुत ज़्यादा बिकता है सबके पास, ठीक है। हम लोगों ने भी यहाँ पे मैगी और सैंडविच लिया, ठीक है, मैगी और सैंडविच जो था लाइक मैगी तो अच्छी थी, डिलीशियस थी, बहुत सही थी, बट सैंडविच खा के लग रहा था कि मेरी लाइफ का लास्ट सैंडविच होने वाला है। तो मैंने तो क्या करा कि मैं सैंडविच को उस तरह से वो खा ही नहीं पाया कि वो सैंडविच इतना अच्छा भी होगा, सैंडविच तो इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा नेस्केफे भी कॉफ़ी ले लें, तो कॉफ़ी लेके वही गुजारा करा। बट गुगू ने तो सीरियसली मैगी को बहुत अच्छे से इंजॉय करा, क्योंकि मैगी जो है गुगू की फेवरेट है, तो उसने वहीं पे इसी तरह से बैठ के उसने मैगी को इंजॉय करा, सीरियसली अमेजिंग। पेट पूजा करने के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को वहाँ पे लेपर्ड दिखे और पेंथर, लेपर्ड और पेंथर ऑब्वियसली दोनों ही जाग रहे थे बहुत अच्छे से, सीरियसली जैगुआर भी अच्छे से ही यहाँ पे बैठा हुआ था और पूरी धूप का मज़ा ले रहा था, एंजॉय कर रहा था पूरी तरह से। ये तो एक समझ आ गई कि ठंड में ये लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। दूर से इन टेक करने पर पता चला कि इनके पिंजरे बने हुए हैं प्रॉपरली, तो इनको अच्छे से मतलब यहाँ पे रखा गया, लेकिन मोस्टली ये लोग सो ही रहे थे। वो रेस्ट ऑफ पीछे जितने भी हम लोगों ने जानवर देखे हैं, एनिमल देखे ना, वो सारे जो सो ही रहे थे, बट ये लोग जाग रहे थे। तो ये एक अच्छा था। अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच के चलो आगे कुछ नया। भाई एक बात बोलूँ, सबसे ज़्यादा मज़ा ना मुझे इसी जगह पे आया जो कि छतबीर का डायनासोर पार्क है। जब पहले बहुत टाइम पहले तब तो ये था नहीं, लेकिन अभी सीरियसली मुझे ना इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आया डायनासोर पार्क में। और ये बना ही बहुत अच्छा है, यहाँ पे डायनासोर का सब कुछ बताया गया कि डायनासोर में क्या क्या। तो जैसे मेन एंट्री में हम लोग अंदर गए तो गुगू भी बहुत एक्साइटेड हो गया एंट्री देख के। अब अंदर जाते ही हम लोगों ने वहाँ पे बहुत अच्छे से जो डायनासोर का था ना एक बहुत अच्छा सा बाढ़ कटा बना हुआ था, ठीक है। अब जैसे अंदर जाते हैं तो ये फर्स्ट स्टैचू यहाँ पे जो है डायनासोर का पूरा ही रहा और सब कुछ दिया हुआ है कि कब से कब तक डायनासोर यहाँ पे आए थे, उनकी स्पीसीज क्या क्या हैं,
उनके रीजन क्या क्या थे, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज में वो थे, उनकी स्पीसीज कितनी तरह की थी, वो सारा मतलब यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ, जो कि एक अच्छा एक नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात थी। बट ये एक अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह से यहाँ पे ब्रीफ करा हुआ है डायनासोर के बारे में, कि डायनासोर की प्रजातीज क्या हैं, किस तरह से कौन कौन सी कंट्री में ये अवेलेबल थी। ठीक है, अभी तो इस तरह से एशिया पैसिफिक सब जगह इसका बताया था, स्पीसीज कितने तरह के डायनासोर थे वो भी यहाँ पे सारा दिया, और सारे ही अंदर सब देखने को मिलेंगे। इनका तो मुझे पता नहीं चला क्या थे, बट जो भी थे बड़े अच्छे से हंस रहे थे यहाँ पे बैठ के, और सबका एंट्री पे सबका स्वागत बड़े अच्छे से कर रहे थे, सबका एंटरटेन भी कर रहे थे। डायनासोर पार्क का एक बात अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे एंट्री करते ही सबसे पहले उन्होंने एक गुफा बना रखी है, जिसमें मल्टीपल कलर्स की लाइट्स लगा रखी हैं, इफेक्ट्स बहुत अच्छे दे रखे हैं। ठीक है, और ये 3D गुफा बना रखी है थर्मोकोल की प्रॉपरली। वो अंकल तो मान ही नहीं रहे थे कि यार, ठोक ठोक के बजा के देख रहे थे कि इसमें है क्या। मैं अंकल को बोला भी, अंकल मना मत करो यार, क्यों कर रहे हो, क्यों मजे ले रहे हो इसके। तो अंकल तो चलो अच्छे से चल गए, बट ये सच में बहुत अच्छी बनी हुई थी, एंट्री बहुत धासू थी, धासू बोल सकते हैं एंट्री को। ठीक है, अब यहाँ से यह गुगू की मस्ती फुल ऑन शुरू हो जाती है, और गुगू ना बहुत अच्छे से एंजॉय करना शुरू कर दे इन डायनासोर के साथ, क्योंकि इसको ये ना बहुत अच्छे लगते हैं। अब एंट्री पे सबसे पहले ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए थे इस तरह से, अपने पंख फैलाए हुए, जो कि सबका इंतजार कर रहे, बट रियली इट्स अमेजिंग। सीरियसली अगर आप लोग कभी भी मतलब यहाँ पे जाने का सोच रहे हो ना, तो सच में इसको मिस मत करना, अपने उसमें कभी भी मिस मत करना कि आप लोग ये सब मिस कर दो। फ्लाइंग डायनासोर, सब डायनासोर के बारे में यहाँ पे दिए हैं, डायनासोर के अंडे तक आप लोगों को मिल जाएंगे छोटे छोटे यहाँ पे, कि किस तरह से डायनासोर जो अपने अंडों पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे अंडों में आप लोग जाके फोटो भी ले सकते हैं, जिस तरह से देखो किस तरह से वो प्रोटेक्ट कर रहा है अपने एग्स को। तो ये भी एक बात अच्छी थी, यहाँ पे जाके मस्त सेल्फी लो अपने एग्स की। और सबसे अमेजिंग पार्ट जो था ना, वो यहाँ पे था, जो कि सीरियसली यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा, अराउंड 20-30 मिनट्स मैंने यहीं पे स्पेंड करे अपने इन डायनासोर के पास। तो ये वाला जो था, ये सबसे मस्त वाला पार्ट है। यहाँ पर ना मैं मिला टोनी सिंह से, ठीक है, जो कि मतलब कॉस्ट्यूम के अंदर था टोनी सिंह। और सीरियसली टोनी सिंह का यार सीरियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है इनका, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को वो कर रखा है। सारा दिन बंदा कॉस्ट्यूम में रहेगा, किस तरह से लोगों को एंटरटेन करेगा, और इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहनना, सीरियसली ये पार्ट बहुत अमेजिंग था यहाँ पे। तो यहाँ पे अराउंड 20-30 मिनट्स लगा के सबको डरा भी रहे थे, हंसा भी रहे थे। तो टोनी सिंह का जो ये वाला पार्ट है ना, स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार। आप लोग भी एक बार बता देना कि टोनी सिंह का पार्ट आपको किस तरह से लगा, बिकॉज ये बंदा सारा दिन खड़ा रहता है और कितना हार्ड वर्क करता है यहाँ पे खड़ा होके, लाइक थ्रू छोटे से कैमरे से कॉस्ट्यूम के अंदर से देखना ना, सीरियसली इस बिग चैलेंज। तो ये वाला जो एक पार्ट था, बहुत अच्छा वाला पार्ट है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोगों की भीड़ थी टोनी सिंह को देखने के लिए और शेक हैंड करने के लिए। बट कि ये वाले डायनासोर भाई साहब हैं सबसे शरीफ वाले होते हैं, जो कि कभी किसी को हाँ नहीं पहुँचते, अपने पत्तियाँ खाते हैं। तो हम भी पहुँच गए देखने के लिए इनको, तो सबसे बड़े भी थे, बढ़िया थे, लंबे चौड़े। बोलते हैं जितने शरीफ होते हैं उतने खतरनाक वाले भी थे यहाँ पे। नेक्स्ट जैसे ही हम लोग एंटर करे थे यहाँ पे, खतरनाक वाले भाई दांत अपने दांत खोल के बैठे हुए थे बड़े अच्छे तरीके से। अब देखो अंडों के पास भाई कुछ छेड़ जाए, कुछ छुए तो सही इनके अंडे। तो बियर द डियर, हम लोग पहुंच गए बियर एंड डियर के पास। अब यहाँ पर ना मोस्टली एनिमल्स का पार्ट जो ख़त्म हो जाता है, जो भी अपने डेंजरस एनिमल्स होते हैं वहाँ पे, उनका बियर के पास जो ख़त्म हो जाता है पार्ट, उसके बाद हम लोग चले जाते हैं बर्ड्स के पास। और बर्ड्स में जाने के लिए ना सीरियसली बहुत अच्छा बना रखा था यहाँ पे। सबसे एंट्री करते ही वाइट पीकॉक आपको देखने को मिलेगा, जो कि सीरियसली बहुत 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 ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे। और जैसे अंदर हम लोग जाते हैं तो ना एक चेन के साथ प्रॉपरली यहाँ पे एंट्री गेट बना हो, ताकि जो बर्ड्स हैं वो बाहर ना जा पाएँ, वो भाग ना पाएँ यहाँ से। तो एंट्री करते ही बहुत अच्छे से
इन चेन के साथ थोड़ी हैवी हैं, बट सीरियसली ये बहुत अच्छे से बना हुआ है। अब यहाँ पे एंट्री करते हैं हम लोग, पहुँच जाते हैं बर्ड सेक्शन में। यहाँ पे आपको हर तरह के बर्ड्स मिलेंगे, स्पेशली जो बिगर बर्ड्स होते हैं लाइक बगुला, जिसे हम बोलते हैं बगुला भक्त जी, यहाँ पे बैठे होंगे, खड़े होंगे, जो कि प्रॉपरली अपनी योगा कर रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, ठीक है। वो भी आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक टांग पे खड़े हैं, योगा कर रहे हैं प्रॉपरली, और सब लोग इनका योगा देख रहे हैं और सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं। और गुगू तो बोल रहा था मुझे यहाँ से जाना ही नहीं है, मुझे इन्हीं को देखना है, मतलब इन्हीं के साथ छोड़ दो, तो बट अपना बच्चा नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम रॉक डक्स के साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो रॉक डक्स हैं बहुत अच्छी हैं, ठीक है, जो कि ऑलवेज जो इनको पानी बहुत पसंद होता है, और ऑलवेज जो पानी के बीच में ज़्यादा तैरती रहती हैं, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से बनाएगा। ये वुडलैंड में प्रॉपरली सीरियसली वेरी अमेजिंग। यहाँ पे मुझे ना इन सबसे अच्छा जो सेक्शन जो लगा अभी तक, यहाँ पे एनिमल्स को बहुत पास और बहुत क्लोजली हम लोगों ने देखा, जो ये बर्ड्स थे इनको बहुत क्लोजली हम लोगों ने देखा। तो ये बर्ड्स मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे से, इतने पास से लग रहे थे कि सीरियसली आप ना कहीं जंगल में घूम रहे हो, यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ था, ठीक है। लाइक यहाँ पर भी बर्ड्स बहुत अच्छे से थे, बर्ड्स बिल्कुल पास थे, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा कि बिल्कुल पास में बर्ड्स हैं, ठीक है, कि आप उनको पकड़ लोगे, उनको कैच कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो मतलब यहाँ पे इतने अच्छे से रह रहे थे, और रियली ये वाला व्यू ना मुझे सबसे बेस्ट लगा, ये वाला और अपना डायनासोर वाला, तो ये दोनों ही बहुत अच्छे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्ड्स का मतलब जो कि आवाज़ होती है ना पंछियों की, वो बहुत अच्छी लग रही थी, वो ना एक दिल को बहुत खुश कर दे रही थी, तो वो एक पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का। तो ज़रूर आप लोग भी ज़रूर जाना है यार, और एक बार देख के आना है यहाँ पे। और जो जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं, वो स्पेशली यहाँ पे ज़रूर जाएं एक बार और श्योर इसको एक्सप्लोर करें। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बस 1500 मीटर्स साइन लगा हुआ था यहाँ पे कि 1.5 किलोमीटर अभी और रहेगा, 1.5 किलोमीटर आप लोग आ गए, 3-4 किलोमीटर तक पूरा है। छोटा एसी का है, ठीक है, सारा ओवर ये भी है, बड़ा बस सिनेमैटिक तो भी हम लोग आ गए एग्जिट पॉइंट पे, ये रहा इसका एग्जिट पॉइंट, तो इट्स ऑलमोस्ट डन। तो यहाँ जो
हमारा छतवीर का है वो में 4 घंटे अराउंड लग गए हैं जाने में। तो यहाँ पर आके हमारा छतवीर का जो टूर है वो यहीं पे आके ख़त्म हो जाता है। तो ना एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो भाई लोग ये जो टूर, ये जो अपना छतवीर जू का जो विज़िट था वो यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अभी हम लोग आलू जो एग्जिट पॉइंट पे हैं। तो इसका जो सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी वो बस एक बात अच्छी थी कि इस बार जो अभी डायनासोर जो पार्क है वो बहुत अच्छा बना, इट्स अमेजिंग। और आप लोग ना ज़रूर एक बार इस वीडियो को देख के मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में आप नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला वो ट्राई सिटी का ही होगा बाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड, और उस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह लेके जाऊंगा। और उसके बाद जो भी वीडियो रहेंगे वो और स्टेशन के वीडियो रहेंगे अराउंड पोस्ट 20th के बाद जो है वो और स्टेशन के वीडियोज रहेंगे। तो वो भी एक एक्साइटेड टूर होने वाला मेरा और स्टेशन का। तो बने रहना मेरे साथ और ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सब्सक्राइब करो, शेयर कर देना मेरा चैनल, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ फिर नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।